इमेजिन करना चाहिए कि सर्जन क्या करता है। पहले पहले ब्लेड लिया, ये बहुत अजब सा ब्लेड इन्होंने ले लिया है, इट्स नॉट दिस ब्लेड दैट इज यूजुअली डन। इससे क्या किया, पट्टी या स्प्लिंट जो बनी है वो काट दी, निकाल लो। तो क्या दिख रहा है तुमको, स्वेलिंग दिख रही है? यस सर, सीइंग द स्वेलिंग एज कंपेयर टू दिस साइड, ठीक है। और ये देखो थोड़ा थोड़ा एबनॉर्मल मूवमेंट दिख रहा है। इसको यूं पकड़ो, समझे? इसको सब तरफ से दबा दो, है ना, सब तरफ से फ्रैक्चर को दबा दो, जिससे कि अगर हम इसको यहाँ से ट्रैक्शन दिए रहे, डराओ यूँ पकड़ के इसको यूँ ट्रैक्शन दिए रहो, पकड़ो और नीचे खींचे रहो, ठीक है, ऑल राइट है। तो पहली बात तो हमने से सब तरफ से दबा दिया, जिससे कि अप्रोक्सीमेट हो गई बोन। दूसरे हम इसको नीचे खींचे हुए तो अलाइंड है, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरी चीज ली कैलेटरल, कैलेटरल अगर हम लगा लेंगे तो इसको, कैलेटरल लगाने से क्या होगा, इसको खुजली नहीं होगी। तो बढ़िया तरह से कैलेटरल लगा ली। कैलेटरल लोग कहाँ लगाते हैं, फेस पे। हम लोग कहाँ लगाते हैं, बोन पे। ठीक है, बोन पे बढ़िया तरह कैलेटर लगा ले। ठीक है, तो कैलेटर लगाने से इसको खुजली नहीं होगी। ऑलराइट, इसके बाद हमें तीसरी चीज जरूरत पड़ी, वो देखो नई वहां रखा है, ये भी यूज कर लिया हमने, इसको भी यहां रख दिया। इसके बाद तीसरी चीज हमको जरूरत पड़ी, सॉफ्ट रोल। तीसरी चीज क्या जरूरत पड़ी, ये सॉफ्ट रोल है, इसके ऊपर की तुमने छोटा खुला के नहीं दी, ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। पूरा खोल के देते हैं सर्जन को। सर्जन को देने का तरीका ये है कि इसको निकाल दिया और यूं पकड़ाते हैं सर, ठीक है। अब इसको यहां से हमने लपेटना शुरू किया, ऑलराइट। ठीक है, तुम थोड़ा सा थोड़ा इधर की तरफ झुके रहोगे तो ठीक है, तो इतना झुक जाओ कि ये इसको थोड़ा अलग होल्ड कर सके, हैं? ठीक है। अब ये देखो, तुम हिलना मत, हम मैनिपुलेट कर लेंगे तुम्हारे हाथ के चारों तरफ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम मत हिलना, ऑलराइट। तुम बिल्कुल सीधा पकड़े रहो, नजर यहां पे कि बिल्कुल सीधी रहे, ऑलराइट। ये हम लोगों ने ब्रिज बना दिया, इस ब्रिज से एल्बो पे प्रेशर नहीं आया। ब्रिज बनाना सिखाया था पहले, हाँ, अब इस पे एल्बो पे प्रेशर नहीं आएगा, यहां नहीं आना चाहिए प्रेशर। अब हमने क्या किया, एक स्केल पीछे रखा और एक स्केल साइड में रखा, लाइक दिस, पकड़, ये हल्के से एक हाथ से पकड़ो, वो तुम अपना उससे तो पकड़े रहो, ट्रैक्शन दिए रहो, पर दूसरे हाथ से इन स्केल को दोनों को यूं पकड़ लो,
पकड़ लिया yes, अब इस स्केल के ऊपर हमने क्या किया, एक पीछे स्केल है और एक आगे स्केल है। इस स्केल से हम लोगों ने यो बांधना शुरू किया। ये थोड़ा सा टाइट पर सेंटर में पकड़ के, कभी एच पे नहीं है, थोड़ा सा टाइट और स्वेलिंग पे बहुत कम टाइट, ठीक है। और यों करके ले गए इसमें हैं, ब्रिज किया बैंडेज से, ब्रिज किया हैं, और अब एल्बो पे प्रेशर नहीं आएगा, एल्बो पे प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ छोड़ो, करेक्ट बोलो। अब इस बाल्टी को कहाँ रख दिया, पानी भरी बाल्टी को इसी के ऊपर, जिससे कि प्लास्टर जमीन पे नहीं गिरे। ये बैंडेज है, प्लास्टर बैंडेज, जिसकी ये पकड़ ली सेंटर, इसको पहले कस लिया, ठीक है, और इसको वर्टिकली डुबाया इसमें, इन्होंने पानी ज़्यादा रखा ही नहीं, और जब इसमें एयर बबल आना बंद हो गए, तो हमने इसको स्क्वीज आउट कर लिया, जिससे कि जो थोड़े बहुत एयर बबल है वो बाहर निकल गए, और ये शोल्डर बना दिया इसका, सबसे ज्यादा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ नर्सिंग, बाकी स्टूडेंट्स को मैं लिफ्ट नहीं मारता, ठीक है। इसको हम लोगों ने इस तरह से वो कर लिया, रोल कर लिया, और ये देख लिया भैया किसी भी तरह से कहीं पे भी अंगुली डाल के देख लिया कि भैया किसी भी तरह से प्रेशर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जो हाथ फेर दिया तो उसके एयर बबल जो छोटे मोटे थे वो निकल गए, सही हाँ। अच्छी तरह से देख लिया कि कहीं प्रेशर नहीं, सही yes, sir। फिर पकड़ा, फिर टाइट किया, फिर वर्टिकली डिप किया, बंद स्क्वीज हैं, और स्क्वीज करके एक और लेयर, ठीक है।
ठीक है ना, प्रेशर तो नहीं आएगा ना, ब्रिज आएगा ना। हर बार चमका देना, ठीक है? नहीं उठाए नहीं उठा के इसको काटा है ना, इसको भी काटा और इसको रोल बैक कर दिया जाता है। देखा इसका हुक नाइफ से प्रॉब्लम क्या होती है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में ये क्लॉट कर जाएगा। दर्द नहीं हुआ तुम्हारे हैं? हुआ तो बताया क्यों नहीं? कॉटन कॉटन भैया ये लगा दो, इसको यूं रखे रहो थोड़ी देर, हाथ से पकड़ लो बस। टैग ये भी देख लिया कि एज कहीं लग नहीं रही। हाँ अब क्या करेंगे, कितना चॉकलेट जरूर दे देंगे। ऑलराइट क्योंकि स्केल लगे तो इसलिए बहुत ज्यादा गलत नहीं हो सकता, नहीं बहुत ज्यादा अलाइनमेंट पे गड़बड़ नहीं हो सकती। लास्ट अब इसके बाद क्या किया, हाथ धो लिए क्योंकि हाथ में कंकड़ हो गया। हाथ में कंकड़ी हो जाती है ना, प्लास्टर सेट होता है। और वो रैपर तैयार कर, रैपर तैयार रखिए था। बहुत हल्के से हाथ किया इसके ऊपर और पेपर लिया हो गई चमाचम हैं फर्स्ट क्लास। लगता है कि पटना में लगी yes. है?
फिट है, इतना लगा दूसरा कोई इतनी स्मूथ कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब चलाओ, जरा उठाओ, जरा चलाओ उसको आगे पीछे, कोई परेशानी नहीं, छोड़ दो, जरा चला के दिखा दो आप, क्या टेस्ट की। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पोंछ देंगे, ये कॉटन लेंगे, ऐसी ऑर्डिनरी कॉटन लेंगे और इसको पानी में डाल के ये कपड़े से, ये तौलिया से, इसका ये जो स्किन पे लगा है, ये पैराफीन है तुम लोगों के पास, अगर पैराफीन लगा दोगे तो ये वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। ठीक है, बंद हो जाए बेटे, बंद ही होने वाला है। बंद हो जाए, क्लॉट बन जाएगा ना, थोड़ा बंद हो गया। उल्टा नाइफ कभी नहीं, ये साला हुक नाइफ कभी नहीं रखना, गलत नाइफ लिया।